नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। प्रधानमंत्र्याचा गोयकारांक राजकीय स्थिरतेचा उलो, ब्रिक्सक लागून गोयकारांची तोखणाय। घाली मोपा विमानतळ, तुये इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टराची बुनियाद, गोवा शिपयार्डाचा विस्तार। देशातलो काळो पैसो भायर काढपाची मोहीम चालूच, बेनामी मालमत्ताय जप्त जातली। ज्वेलर्साच्या भांगराच्या ब्लॅक व्यवहाराची नजर, 50 दीस कळ सुसात प्रधानमंत्र्याचा उलो। वास्को एक्सिडेंटात दोग आगताक गेले, टू व्हीलर आणि दोन मोटारींचा एक्सिडेंट, एकलो बामोळे क्रिटिकल, वताले ट्रिपल सीट, मोटरसायकल माली दोन मोटारींचेर। मोपा विमानतळ आड बोकडो सोडपाचा प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी घालता बुनियाद, शेतकऱ्यांनी मोपा नाका म्हणून सोडलो देवाक बोकडो, सरकाराची जबरदस्ती, भार खंय देवाचेर। आणि मराठी राजभाषा समितीचे पणजे शक्ती प्रदर्शनाक 1,500 लोक, फुडारी मागतात खासा विधानसभा अधिवेशन, अपक्ष सावळ मोगोचो लवू, दोनूच आमदारांचा तेको। पर्रिकर सरकारान गोयात पहिले फाउट राजकीय स्थिरता दिली, ती फुडे तिगोवन दवरची म्हणून प्रधानमंत्री मोदीन गोयकारांक उलो मारलो। मोपा विमानतळ आणि तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो ताणी बुनियाद घाली, गोवा शिपयार्डाचो विस्तारूय जाला, ब्रिक्साक लागून ताणी गोय सरकार आणि गोयकारांची तुस्त केली। पर्रिकर म्हणटा पॅसेंजर डबल जातले, दाबोळी चालूच उरतलो, मुख्यमंत्री पासेकार नव्या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टाचेर उलयलो। आपने देखा होगा कि गोवा में राजनीतिक अस्थिरता की बीमारी इस प्रकार से गोवा को बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या क्या होता था आपको मालूम है। इस राजनीतिक अस्थिरता ने गोवा का जो सामर्थ्य है, गोवा के लोगों की जो शक्ति है, उसको कभी फलने फूलने का अवसर ही नहीं दिया। गोवा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, और इसलिए गोवा में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, 5 साल तक एक सरकार चले, नीतियों के आधार पर चले, गोवा के विकास के लिए चले, लोक कल्याण के हित के लिए चले, ये उन्होंने करके दिखाया है। और 2012 से 2017 की स्थिरता का लाभ भरपूर मात्रा में गोवा को प्राप्त हुआ है, और इसलिए मैं यहां दोनों पार्टियां जो मिलकर के सरकार चला रही हैं, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है, इसके लिए, क्योंकि स्थिर सरकार चुनना ये जनता के हाथ में होता है, और गोवा की जनता ने स्थिर सरकार की ताकत को समझा है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, उनका वंदन करता हूं। आज मुझे संतोष है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वादा किया था, आज मुझे उसको पूरा करने का अवसर मिल रहा है। भरपूर स्लॉट डिफेंस दिन सुधा आनी क्या एयरपोर्ट एक्सपांड जाऊपाक स्कोप ना, त्यामुळे गोयचे एडिशनल रिक्वायरमेंट मोपा एयरपोर्टाच्या जातले, दाबोळी चालू दवरचोच पडटलो, कारण इतले पॅसेंजर असतले की आमकां दोनूय एयरपोर्ट चालू रावल्यार कमी पडचे ना। गोवा शिपयार्डाचे माइन्स काउंटर मेजर वेसल अंडर मेक इन इंडिया 32,600 करोडचो हो प्रोजेक्ट, ओरिजिनली पार्ट ऑफ इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी डन इन अ फॉरेन कंट्री, नाव ऑल 12 वेसल्स विल बी मॅन्युफॅक्चर्ड इन गोवा। मित्रांनो, आजचे खास करून जे दोन प्रकल्प असतात मोपा, ज्याचे साधारणपणे 3,500 कोटी खर्च जातले, आणि त्याची पेरिफेरल डेव्हलपमेंट जी असा
खर्चेर साधारणपणे विचार करत जाल्यार 10,000 कोटी परस जास्त खर्च जाता. इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाचेर साधारणपणे 12,000 कोटींचो खर्च जाता. एका अर्थान 20 ते 25,000 कोटी खर्च जावपी हे दोनूय प्रकल्प गोव्यात एक उच्चतम स्थानाचेर व्हरता आसतना गोव्यात प्रचंड रोजगार योजना रोजगार सुविधा आणि त्याच बरोबर राज्यात आर्थिक संपन्नता इकॉनॉमिक बूस्ट हाडपाक त्याची खूप मदत जातली. हे रोजगार येणाऱ्या 2 वर्षांपासून ते फुडल्या 10, 12, 15 वर्षांपर्यंत चालू असतले. आजच्या युवकांची तर थंय व्यवस्था जातात पण फुडल्या 5-10 वर्षात आज बाल्यावस्थेत असणारे भुरगे जेव्हा युवा स्थितीत येतले तेव्हा तांका हे प्रोजेक्ट केटर करतले. देशातलो काळो पैसो भायर काढपाची मोहीम चालूच उरतली. बेनामी मालमत्ता दवरतल्यांचे दीस भरतले. बाकीच्या राजकारण्या भशेन आपल्या गृहित धरचे न्हय. फक्त 50 दीस कळस उसात उपरांत सांगता ते आयकता म्हणून प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. भांगराचं बिलिंग नासतना ब्लॅक व्यवहार करपी ज्वेलर्सांचेरूय सरकाराची नजर आसा. सामान्याचो तेको जाय म्हणून प्रधानमंत्री मोदी ताळगांवां श्यामा प्रसाद स्टेडियमाचेर उलो मारलो. मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है. हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना. मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना. लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले. अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोना जेवरात खरीदते हैं, हम इतना ही कहते हैं कि भाई आपका जो इनकम टैक्स का पैन नंबर है वो लिखवा दीजिए, पता तो चले कौन लेता है. 2 साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1,25,000 करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था, वो सरकारी खजाने में जमा हुआ है. भाइयों, गरीबों की अमीरी देखिए दोस्तों. मैंने तो कहा था कि 0 रकम से आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मेरे देश के गरीबों ने बैंकों में, जनधन अकाउंट में 45,000 करोड़ रुपया जमा करवाया दोस्तों, 45,000 करोड़ रुपया. उसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे. मेरा सबसे आग्रह है, हो सकता है आप वो पता भी ना हो, शायद आपके चाचा, मामा, भाई, पिताजी जिनका स्वर्गवास हो, कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो भी दंड देना है दंड दे दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है. और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा,
तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1,00,000 नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश को, देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं, इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये आने वाले हैं। ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं, मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें, देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। शाबाश मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है, हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूं। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिन्ना नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरे इस बात को स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। घेऊ एक ब्रेक।